हेलो स्टूडेंट्स, इज सिक्स है में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 22 द फोटोग्राफ। ओके, इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले जो चैप्टर है उसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीडिंग कॉम्प्रेशन सेक्शन से, जहाँ पर हमने चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सो द फर्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस। ओके, इट्स नॉट क्रॉस, इट्स क्रॉस, क्रॉस द रॉन्ग वन। ठीक है, जो सही है उसके सामने राइट करेंगे, जो गलत है उसके सामने हम रॉन्ग करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्रैंड मदर सैट ऑन द फ्लावर बेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो ग्रैंड मदर है, जो दादी माँ है, वो कहाँ पर बैठती थी, फ्लावर बेड में बैठती थी। बट ये रॉन्ग है, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट इज द बॉय वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। जो बच्चा था वो कितने ईयर्स ओल्ड का था, 10 साल का था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट टिक कर देंगे। द थर्ड इज द ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी ओल्ड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ग्रैंड मदर है, जो दादी माँ है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जा रहा है, गलत, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, आगे कर देंगे क्रॉस। देन सेकेंड सी है ग्रे हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका सफ़ेद बाल ना हो कि ग्रे हेयर था, जो कि गलत है। तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। एंड द नेक्स्ट इज द बॉय वॉज इंटरेस्टेड टू सी अ बुक विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। ठीक है, तो ये जो बॉय है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था, है ना, दिलचस्पी ले रहा था क्या देखने में, कलरफुल पिक्चर्स। जो पिक्चर थे वो किसके थे, बर्ड्स के थे, और ब्यूटीफुल कलरफुल बटरफ्लाइज के थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हम वहाँ पर राइट टिक कर देंगे। द नेक्स्ट इज द स्मॉल फोटोग्राफ वॉज इन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो ये फोटोग्राफ है वो बॉक्स पे था। एक्चुअली वो कहाँ पर था, ये कलरफुल पिक्चर्स बुक पे था। ओके, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट द फोटोग्राफ वॉज टेकन अबाउट 40 ईयर्स एगो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो फोटोग्राफ है वो 40 साल पहले लिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस। द नेक्स्ट इज सी यूज टू गो स्विमिंग इन अ मडी पूल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वो लड़की थी, है ना, फोटोग्राफ में, वो कहाँ जाती थी, कीचड़ वाले पूल में जाके खेलती थी। जो ये क्या है, आपका गलत है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, रॉन्ग। द लेमन कलर्ड बटरफ्लाई सेटल ऑन द नोज ऑफ द ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर बोल रही है कि लेमन कलर का जो बटरफ्लाई है वो दादी माँ के नाक में बैठा था, बट ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस। देन लास्ट वन इज देयर वॉज सिमिलरिटी बिटवीन द फोटोग्राफ एंड द ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों में समानता थी, किसमें, ग्रैंड मदर और जो फोटोग्राफ है उसमें। ठीक है, वो उन्हीं का फोटोग्राफ था, बट वो पूरा सिमिलर नहीं था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, इसलिए हमने वहाँ पर क्या किया, क्रॉस। तो आई होप कि आपको सारे, अगर आपने बुक के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझे होंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके, एंड आपको कोई डाउट नहीं है, तो चलिए इसे, सॉरी, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बॉय डूइंग आफ्टर टेकिंग हिज मील। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब लड़का अपना खाना खा लेता है तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं। आंसर इज आफ्टर टेकिंग हिज मील द बॉय वाज रमेजिंग इन अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड फैमिली हेयरलूम्स दैट हैड जस्ट बीन ब्राउट आउट ऑफ द एक्टिक बाय हिज मदर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक्टिक से उसकी मदर ने, है ना, एक्टिक मतलब जहाँ पर चीज़ें रखते हैं घर के ऊपर, एक रूम होता है उसे एटिक बोलते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स को उसकी मम्मा ने ला के रखा था, वो बॉक्स बहुत पुराना था, तो उसे रमेजिंग मतलब क्या कर रहा है, तलाशी ले रहा था। और तलाशी लेने में इसको क्या मिला, एक बुक मिली जिसे वो पढ़ रहा था, प्लस उसके पास क्या मिला, हेयरलूम्स। हेयरलूम्स मतलब होता है उसमें विरासती चीज़ जो भी हैं, है ना, वो सारी चीज़ें उसमें थी, वही लड़का क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। ठीक है, एंड कब, जब वो अपना खाना खा लेता है तब। ओके, चलिए इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। आफ्टर टेकिंग हिज मील, ठीक है, वो जैसे ही खाना खाता है उसके बाद, द बॉय वॉज रमेजिंग इन अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स। ठीक है, तो एक बॉक्स है उसमें वो तलाशी ले रहा था जिसमें बहुत सारे ओल्ड बुक्स थे एंड फैमिली हेयरलूम्स, और फैमिली का जो विरासती चीज़ है वो था। जस्ट बीन ब्राउट आउट ऑफ द एक्टिक बाय हिज मदर, जो जस्ट कहाँ, किससे लाया गया था, मदर द्वारा लाया गया था एक्टिक रूम से। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज द फोटोग्राफ, इसमें बोला गया जो फोटोग्राफ है वो कैसा था। द फोटोग्राफ वॉज अ फेडेड, ठीक है, जो फोटोग्राफ था वो कैसा था, फेडेड, धुंधला हुआ था, आई लिटिल येलो, येलो कलर का हो गया, तो फॉगी, और फॉगी भी वो था। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ वॉज इन द फोटो, हु वॉज इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस फोटोग्राफ में कौन था।
देयर वॉज अ गर्ल, वहाँ पर कौन थी, एक गर्ल थी, हु वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, जो क्या थी स्टैंड है ना, वॉल के जस्ट आगे में खड़ी हुई थी इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में. ओके, सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू से दैट द फोटोग्राफ वॉज कलरफुल, आप कैसे बोलेंगे कि ये जो फोटोग्राफ है वो कलरफुल वाला था. ठीक है, द आंसर इज वी कैन से दैट द फोटोग्राफ वॉज कलरफुल, आप बोल सकते हैं कि ये जो फोटोग्राफ है वो कलरफुल है, बिकॉज द बॉय फाउंड द फोटोग्राफ बिटवीन द पेजेस. ठीक है, इसलिए फोटोग्राफ क्योंकि जो बॉय है वो किस में पाया था, फोटोग्राफ पाया था पन्नों के बीच में बुक्स के. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट हैड बिकम लिटिल येलो एंड फॉगी, और क्या होता है थोड़े टाइम बाद वो क्या था, वो लिटिल फॉगी हो गया था और वो येलो कलर का हो गया था. सो इसलिए उसे पता चल जाता है कि जो फोटोग्राफ था वो कलरफुल था. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट आपको नहीं है. ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं. लास्ट है आपका, डिड द बॉय नो हु वॉज इन द फोटोग्राफ, उनसे पूछा जा रहा है क्या लास्ट तक के बच्चे को पता चला कि उस फोटोग्राफ में कौन थी. आंसर नो, द बॉय डिड नॉट नो हु वॉज इन द फोटोग्राफ, एक्चुअली बॉय को पता ही नहीं चला कि उस फोटोग्राफ में कौन था. इनफैक्ट हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट वॉन्ट टू टेल हिम, एक्चुअली अगर आप बोलोगे तो जो उसकी दादी माँ थी वो बताना ही नहीं चाहती थी कि उस फोटोग्राफ में कौन है. तो आई होप कि आपको ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट क्या है आपका, वोकैबुलरी सेक्शन से, जिसमें बोला है करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें एक वर्ड है जो कि क्या है, मिस स्पेल है ना, मतलब कि गलत लिखा हुआ है, वो अंडरलाइन है, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है उसकी स्पेलिंग को. फॉर एग्जाम्पल, KNITING नीटिंग अ वूलन स्कार्फ रिक्वेस्ट पेशेंस, यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप नीट कर रहे हो, बुन रहे हो, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा है ना. तो नीटिंग का स्पेलिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, KNITING. ओके, नीटिंग का स्पेलिंग ही हो जाएगा. क्लियर. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द लेडी रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल रिंग विच वॉज पार्ट ऑफ द फैमिली हेयरलूम्स. ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक लेडी है, एक लड़की है, उसे एक प्यारा सा रिंग मिला है जो उसकी खानदानी विरासत से मिली गई है. ठीक है, हेयरलूम्स तो उसमें क्या हो जाएगा, गलत है, HEIRLOOMS, तो हेयरलूम्स का स्पेलिंग हो जाएगा ये सही. नेक्स्ट, द मनी प्लांट इज क्रीपर विच रिक्वायर सपोर्ट टू ग्रो एज इट स्टेम इज वीक, तो यहाँ पर बोला जा रहा है मनी प्लांट, आपको पता है क्रीपर, क्रीपर मतलब कि जो रेंगते हैं ना उससे बोलते हैं, तो आप मनी प्लांट को देखे होंगे कि उसको उसका जो स्टेम है ना, तना है, वो कमज़ोर होता है, जिसके वजह से उसे क्या बोलते हैं, सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे क्रीपर में रखा गया. तो क्रीपर की स्पेलिंग आपकी गलत है, क्या हो जाएगी, CRWEPER, क्रीपर. ओके, नेक्स्ट, इट वॉज गुड अटैम्प्ट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ इस मिस चीफ है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मिस चीफ है उसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है. तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ये अच्छा तरीका है मुझे बदमाशी करने से दूर रखने के लिए, तो यहाँ पर मिस चीफ का स्पेलिंग गलत है, MISCHIEF होता है मिस चीफ. ओके, क्योंकि ये भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है, सिंस इट वॉज अ सनी डे, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि ये सनी डे है, तपान हैड टू स्क्विंट हिज आइज टू लुक एट द राइप मैंगोज इन दिस ट्री है ना. अब सनी डे है तो आप क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा स्क्विंट करते हैं, स्क्विंट यानी कि थोड़ा सा आपको बंद करके देखते हैं कि मैंगो की ट्रीज में मैंगो आखिर कहाँ पर है. तो स्क्विंट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, स्क्विंट की स्पेलिंग होगी यहाँ पर SQUINT, स्क्विंट यानी होता है आपका, आपको थोड़ा सा क्या करना, बंद करके देखना, जैसे कि आप धूप में देखते हैं, सेम. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सी स्पेलिंग गलत है और आप उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, ग्रामर सेक्शन से. सो ऑन राजू सिस्टर्स बर्थडे, ठीक है, राजू की बहन का बर्थडे है, द फॉलोइंग थिंग्स वर डन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या हुई है, मेक केक है ना, केक बनाना, कॉल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को बुलाना, डेकोरेट रूम्स, रूम्स को सजाना, अरेंज प्लेट्स है ना, प्लेट्स आप नाश्ते देंगे तो प्लेट्स को अरेंज करना, गेस एंड राइट हु आस्क्ड राजू टू डू व्हाट. ठीक है, तो राजू का बर्थडे, राजू की बहन का बर्थडे है, तो राजू को बोला गया कि ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपको बताना है किसने क्या राजू को बोला करने के लिए. यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके वर्ड्स दे दिए गए हैं बॉक्स में, उसे यूज़ करना है, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, आंट, अंकल, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर,
तो यहाँ पर मदर का दिया हुआ है, हिज मदर मेड हिम क्लीन द रूम, उसकी मम्मी ने उन्हें क्या किया, उन्हें बोला कि उसे क्या करना है, रूम को क्लीन करना है। तो मेक का क्या हो गया, मेड हो गया, है ना, क्योंकि उसको करना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको सेंटेंस बताने हैं कि आखिर में राजू को क्या बोला गया होगा करने के लिए, उसकी मम्मी के उसमें उसके पापा ने उन्हें क्या बोला, उसके अंकल ने, उसके आंटी ने, उसके दादी ने, उसके दादा ने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक दे दिया था एग्जांपल, तो आंसर कैसे लिख सकते हैं, हिज फादर आस्क्ड हिम टू डेकोरेट द रूम, है ना, जिसके फादर हैं उन्होंने बोला कि वो रूम को सजा दें। हिज ब्रदर आस्क्ड हिम टू कॉल एंड इन्वाइट द फ्रेंड्स, उसके ब्रदर ने बोला कि आप क्या करोगे, सबको कॉल करोगे और उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें बुलाओगे। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम टू अरेंज द प्लेट्स, उसकी जो दादी माँ है उन्होंने बोला कि आप प्लेट्स को अरेंज कर दो, व्यवस्थित कर दो। हिज ग्रैंड फादर आस्क्ड हिम टू अटेंड अदर गेस्ट, ठीक है, जितने भी गेस्ट आ रहे थे उसको देखने के लिए बोले, कौन, उसके दादा। हिज अंकल आस्क्ड हिम टू बाय अ केक, उसके अंकल ने बोला कि जाओ और केक को खरीद के ले आओ। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, सिंपल सा हमें क्या करना था, सेंटेंस बनाना था कि राजू को किसने क्या काम दिया होगा। तो आई होप कि हमने यहाँ पर सेंटेंस आस्क्ड है ना, उससे बोला गया, इसलिए इसमें सब में क्या है, आस्क्ड है, ठीक है। एंड सो आई होप कि आपको ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज ए राइट अबाउट योर सेल्फ व्हाट You do at home and who asks you to do that? जैसे कि राजू को बोला गया कि केक ले आओ, प्लेट जमा दो, रूम को क्लीन कर दो, रूम को डेकोरेट कर दो, है ना, तो वो सारी चीज़ें बोली गई। तो उसी से आपको बोलना है कि अगर आपसे कुछ ये सारे काम करवाए जाए तो कौन आपको क्या काम देगा, वो आपको लिखना है। सो एग्जाम्पल आपका दे दिया गया है, माई फादर मेड मी सो सीड्स इन द फील्ड, जैसे कि आपको क्या, आपके घर में आपके जो पापा हैं वो बोल रहे थे खेत में कि आपको सीड है ना, बीज को बोना है, ठीक है। माई फादर मेड मी सो, तो यहाँ पर बोला गया मेरे पापा ने मुझे कर दिया कि मुझे फील्ड पे बीज को बोना है। एंड आंसर आप लिख सकते हैं, माई मदर आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम, मेरी जो मम्मा है उन्होंने मुझे बोला कि क्या करना है, रूम को क्लीन करना है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हमने क्या किया था, राजू के जगह में जब राजू का पढ़ रहे थे तो हमने हिम यूज़ किया था, है ना, प्रोनाउन यूज़ किया था, क्योंकि अब आप अपने बारे में बता रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मी यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब सेंटेंसेस सेम है, ठीक है। माई मदर आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम, मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि रूम को क्लीन करना है। माई अंकल आस्क्ड मी टू कुक डिनर, मेरे अंकल ने बोला कि मुझे डिनर बनाना है। माई आंट आस्क्ड मी टू वॉश क्लोथ्स, मेरी आंट ने बोला कि क्लोथ्स को, कपड़े को धोना है। माई ग्रैंड मदर आस्क्ड मी टू गो टू द मार्केट, मेरी दादी माँ ने बोला कि मुझे बाजार जाना है, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काम दिया जा सकता है, और आपको काम दिया जा सकता है तो आप इस टाइप से आप बता सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर है और इसमें भी आपको डाउट नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है राइटिंग सेक्शन से, ओके देखते हैं। लुक एट योर ग्रैंड मदर और एनी ओल्ड पर्सन नोन टू यू, आपको क्या करना है, आप या खुद दादी माँ को देखेंगे या ऐसे पर्सन को देखेंगे जो क्या है, ओल्ड हो गए हैं। नाउ डिस्क्राइब हाउ सी ही लुक्स एंड व्हाट सी ही डज इन अ पैराग्राफ, ठीक है। तो फिर आपको ध्यान से देखना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि वो क्या करती हैं या क्या करते हैं। सो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ग्रैंड मदर इन माई होम एंड सी इज़ द सीनियर एंड गार्डियन ऑफ अवर फैमिली। तो आप लिख सकते हैं कि मेरी जो दादी माँ है वो मेरे घर में रहती हैं और वो हमारे क्या है, सीनियर है, सबसे बड़ी है और गार्डियन है ना, वो सबकी देखभाल करती हैं, सबसे बड़ी हैं, गार्ड करती हैं हमारी फैमिली की। वी रेस्पेक्ट हर एंड सी लव्स अस वेरी मच, हम उनकी क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। सी इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा क्या है, बुज़ुर्ग है। हर एज इज़ 90, और वो कितने साल की है, 90 साल की है। सी ड्रेसेस प्लेन वाइट साड़ी, अगर हम साड़ी की बात करें तो वो वाइट कलर की पहनती है जो एकदम ज़्यादा प्लेन रहती है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं रहता। हर आइज़ आर नॉट वेरी स्ट्रांग, उनकी जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग नहीं है, है ना। अब वो धीरे बूढ़ी होते जा रही है तो आँख कमज़ोर होते जा रहा है। ग्रैंड मदर हैज़ वाइट हेयर एंड सी हैज़ फ्यू रिंकल्स ऑन हर स्किन, ग्रैंड मदर की जो क्या बोलते हैं हेयर है वो वाइट हो चुके हैं और उनके में बहुत सारे झुर्रियाँ भी हैं उनके स्किन पे। फिज़िकली सी इज़ एब्सोल्युटली फिट एंड स्ट्रांग एट हिज एज, अगर हम फिज़िकली बोले तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, फिट है अपनी एज को लेके।
शी मेक्स वेराइटी ऑफ पिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरी जो दादी है वो बहुत प्रकार के अचार बनाती हैं फॉर अस इन विंटर, ठीक है, विंटर सीजन में। शी लव्स टू गो ऑन पिलग्रिमेज, ठीक है, बोलते हैं कि उन्हें तीर्थ यात्रा जाने में बहुत अच्छा लगता है। शी बिलीव्स इन गॉड, वो भगवान पे बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं, एंड वर्शिप्स गॉड एवरीवेयर, ठीक है, और वो कोई क्या बोलते हैं जहाँ पर भी जाती हैं हर दिन जाके क्या बोलते हैं गॉड की पूजा करती हैं। समटाइम्स शी टेल्स अस मैनी हॉन्टेड स्टोरी, कभी कभी वो हमें डरावनी कहानियाँ भी पढ़ाती हैं, कॉमिक्स भी बताती हैं, एक्सेट्रा भी इंजॉय है, अकम्पनी वेरी मच, हमें उनका जो अकम्पनी है उनका साथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही किसी पर्सन, किसी ओल्ड वुमेन या फिर ओल्ड मैन को नोटिस करके इस टाइप से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अरेंज दिस वर्ड एज यू फाइंड देम इन द डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड दे दिया गया है, जैसे डिक्शनरी में आपको हमेशा ए बी सी डी अल्फ़ाबेट वाइज मिलता है, वैसे इस आपको अल्फ़ाबेट में इसको जमाना है। आपका है रिंकल्स, हेयरलूम, स्क्रीपर, डिटरेंट, ड्रैपरी, एटिक, ठीक है। तो सबसे पहले ए आएगा, ए आ गया एटिक, फिर आएगा जी क्रीपर, डिटरेंट, ड्रैपरी, हेयरलूम्स एंड रिंकल, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या अल्फ़ाबेट में इसे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से क्या है आपका, लिसन टू द पैसेज ऑन कैमरा एंड सर्कल द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैमरा के बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है, समझना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें से कौन सा सही आंसर है उसे आपको सर्कल करना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, ये पैराग्राफ समझते हैं। पैराग्राफ में है, अ कैमरा इज अ डिवाइस यूज टू टेक स्टिल फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो कैमरा एक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, रुकी हुई चीज़ों का फोटो लेते हैं। फोटोग्राफ्स आर इमेजेस ऑफ पर्सन थिंग्स सीन्स दैट आर कैप्चर्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफ बेसिकली क्या है, एक चित्र है जिससे हम क्या करते हैं किसी भी लोग का, किसी भी पर्सन्स का हम खींचते हैं, और वो कहाँ पर कैप्चर होता है, आपको फोटोग्राफिक फिल्म में कैप्चर होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कैमरा आर इट्स लेंस, शटर एंड फिल्म रोल, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा होता है लेंस, है ना, जैसे आप फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो उसमें लेंस रहता है, तो वैसे ही इसमें लेंस रहता है, शटर जब आप करेंगे क्लिक तो शटर ओपन और क्लोज होता है वो, एंड फिल्म रोल, है ना, जिसमें आपका क्या रहेगा बनेगा, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। द लेंस गैदर्स रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सीन दैट द कैमरा इज पॉइंटेड एट, ठीक है। तो जो लेंस रहेगा जो भी लाइट है उसे गैदर करता है, ठीक है, एंड बैंड देम सो दैट ऑल द रेज मीट एट द सेम प्लेस एट द बैक ऑफ द कैमरा, ठीक है। जितने भी रेज को कंप्लीट करेगा एक जगह पे रखेगा, फिर उसको बैंड करेगा, ठीक है। बाय दिस मैथड अ स्मॉल कॉपी ऑफ सीन इज मेड, ठीक है। तो इसी चक्कर में क्या होता है, बैंड करने से, एक जगह पे मिलने से क्या होता है, एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। द शटर ओपन्स टू अलाउ लाइट फ्रॉम द लेंस टू रीच द फिल्म, ठीक है। और जो शटर रहता है वो क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है कि जो भी लाइट है वो आए, क्लियर, ताकि वो फिल्म में आए। व्हेन द फिल्म इज एक्सपोज टू द राइट अमाउंट ऑफ लाइट अ क्लियर इमेज ऑन द फिल्म इज क्रिएटेड, ठीक है। जैसे फिल्म रोल है उसी को हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि पानी में से धोते हैं, है ना, उसे बहुत सारा प्रोसेस रहता है, अगर वही फिल्म को राइट अमाउंट क्या मिलता है, आपको राइट अमाउंट लाइट मिलता है, तो वो क्या होता है, क्लियर इमेज फॉर्म होता है। द अर्लीस्ट फोटोग्राफ वॉज टेकन इन फ्रांस इन 1827, अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले फ्रांस में फोटोग्राफ लिया गया था 1827 में, लुइस डगरो एंड विलियम फॉक्स इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स लेटर, बाद में इसे और अच्छे से इम्प्रूव, है ना, मॉडर्नाइज कब किसने किया, अच्छे से और किसने बनाया, लुइस डगरो एंड विलियम फॉक्स ने। आई होप कि आपको ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है, ये पैराग्राफ आखिर बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कैमरा इज अ डिवाइस दैट कैप्चर स्टिल पिक्चर मूविंग पिक्चर, है ना, हमने पढ़ा है कि जो कैमरा वो एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, स्टिल पिक्चर को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टिल पिक्चर्स। देन सेकेंड इज अ कैमरा कैप्चर्स इमेजेस ऑन वीडियो फिल्म और फोटोग्राफिक फिल्म, तो हमने देखा है वो वीडियो फिल्म में नहीं कैप्चर करता है, वो फोटोग्राफ कैप्चर करता है आपको फोटोग्राफिक फिल्म में, है ना।
नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कैमरा, बैटरी, फिल्म रोल, शटर लेंस एंड ऑटो फोकस। तो हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैमरा में चीज़ें हैं वो क्या है, उनकी फिल्म रोल है, शटर एंड लेंस है। ये तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द सीन इज कैप्चर है द फ्रंट ऑफ द कैमरा और बैक ऑफ द कैमरा। तो हमने पढ़ा है कि जो पिक्चर का सीन है वो कैप्चर कहाँ पर होता है, बैक साइड में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बैक ऑफ द कैमरा। नेक्स्ट द पीपल हु इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फोटोग्राफ्स आर, ठीक है, किसने क्या किया था फोटोग्राफ को इम्प्रूव करने में हेल्प किया था। तो हमें पता है लुइस डेग्री एंड विलियम फॉक्स। तो ये आपका हो जाता है सही आंसर। तो आई होप कि वो पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। अगर वो समझ आ गया होगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डाउट या फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखिए लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपके पिक्चर्स दिए गए होंगे, उसे आपको देखना है। एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड को बताना है व्हाट यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर, कि उस पिक्चर में आखिर क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, वुमेन इज सिटिंग इन द बस। जो वुमेन है वो क्या है, सिट की हुई है, बैठी हुई है बस में। सी इज़ वेयरिंग अ साड़ी, और उसने क्या पहना हुआ है, साड़ी पहनी हुई है। अ मैन विथ लॉन्ग हेयर इज सिटिंग अक्रॉस हर, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी है जो क्या है, उसके बाजू में बैठा हुआ है। ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बताना है कि उस पिक्चर में आखिर हो क्या रहा है। तो नेक्स्ट पिक्चर एक लड़की के बारे में है, तो देखते हैं द मैन इज सिटिंग बाय द विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो मैन है वो विंडो के बाजू में बैठा हुआ है। द मैन इज सिटिंग विथ हिज लेग्स बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके जो लेग है वो बैंड है, आप देख सकते हैं। ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। देयर इज़ नो वन अराउंड हिम, उसके आसपास अभी कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है आपको, देखिए ये है ना। तो यहाँ पर आप मैन के बारे में ही बोल सकते हैं, द मैन इज़ वेयरिंग अ ब्लू वाइट टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट एंड अ येलो कैप ऑन हेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो ब्लूइश वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, टी शर्ट, ब्लैक पैंट पहना हुआ है, येलो कैप उसके सिर पे है। द मैन इज राइटिंग समथिंग ऑन पेपर विथ अ पेन, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है, पेपर में कुछ लिख रहा है। अ वुमेन इज सिटिंग बिहाइंड हिम, ठीक है, एक वुमेन उसके पीछे बैठी हुई है। देयर इज टू पीपल बिहाइंड हिम, ठीक है, वहाँ पर और दो पर्सन उसके पीछे बैठे हुए हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये अ वुमेन इज सिटिंग बिसाइड और बाय द विंडो। अब जो भी लिखना चाहें कि विंडो के बाजू में बैठी हुई है, उसके साइड में बैठी हुई है। ओके, देन सी इज़ वेयरिंग अ ब्लू साड़ी एंड रेड ब्लाउज। वो क्या पहनी हुई है, ब्लू साड़ी पहनी हुई है, रेड ब्लाउज पहनी हुई है। सी इज़ ऑल्सो वेयरिंग बैंगल्स ऑन हैंड, वो बैंगल्स पहनी हुई है हैंड पे। एंड देयर इज़ नो वन अराउंड हर, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो वन अराउंड हर, उसके आसपास कोई भी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं। ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं और खुद भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें भी कोई डाउट आप नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है हमारा कम्प्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।